नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल M121 GK में। डाक विभाग संचार मंत्रालय भारत सरकार, जिसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय डाक विभाग एक बैंक की तरह काम करती है और संचार की तरह भी काम करती है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो हाल ही में यह बैंक की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किए हैं, यह भी एक बैंक है जो भारतीय डाक विभाग के अंदर यह काम करती है। उसके शाखा के पास ही इंडियन पोस्ट पेमेंट के शाखा आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, HDFC, ICICI, जितने भी भारत में बैंक हैं, उन सभी बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में जनता के सुविधा के अनुसार CSP खोला गया है, जो पंचायत लेवल पर होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि CSP बैंक कैसे ले, वो भी किस बैंक का। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP कैसे लेना है, ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है, क्या क्या सुविधा आपको मिलेंगे, कितना कमीनी होगा, 20,000 से 30,000 महीना आप कमा सकते हैं, वो कैसे कमाएंगे और कैसे आवेदन करना होगा, और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किनको किनको CSP बैंक मिल सकता है और कहाँ आवेदन करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वेबसाइट पर। दोस्तों, मैं आ गया हूँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वेबसाइट पर। यहाँ पर इस थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है कि नीड ए व्हीकल इंश्योरेंस, इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद थोड़ा सा मैं अपना कैमरा भी छोटा कर देता हूँ और इस कैमरा को यहाँ रख देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, ऐसे आने पर थोड़ा वेबसाइट इस तरह से वेबसाइट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का वेबसाइट आ जाएगा और इस पर ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एक लाइन फ्लैश हो रहा है। इस पर आपको हमको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक अलग नया पेज खुल जाएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का पेज खुल जाएगा। इस पेज को खोलने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है पब्लिक नोटिस और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि इंडियन पोस्ट, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको हिंदी में पहले कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा तरह से समझ में आए। इसको मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेट कर लूँगा। कहाँ गया, ट्रांसलेशन में जाऊँगा और इसको मैं हिंदी में कर लूँगा। देखिए, हिंदी में हो गया। यहाँ पर लिखा गया है क्या कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक व्यक्तिगत व्यापार संबद्धताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अब देखिए, कौन कौन से व्यक्ति आवेदन करने लायक हैं, यह चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है, देखिए, व्यक्ति संबंधित बैंक कर्मचारी, यानी जो बैंक में काम करते हैं और वह संबंधित हो गए हैं, यानी काम छोड़ दिए हैं, तो वह इस लायक हैं। संबंधित कर्मचारी और पूर्व सैनिक भी जो काम छोड़कर चल गए हैं। उसके बाद व्यक्तिगत सार्वजनिक कॉल कार्यालय, PCO ऑपरेटर है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो किराना स्टोर, मेडिकल, उचित मूल्य की दुकान आदि व्यक्तिगत मार्ग, किराना स्टोर चलाते हैं, मेडिकल दुकान चलाते हैं, या कोई भी दुकान चलाते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, आप इसके एलिजिबल हैं। भारत सरकार द्वारा बीमा कंपनी में अगर काम करते हैं, एजेंट हैं, तो भी आवेदन कर सकते हैं। पेट्रोल पंप के मालिक हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC चलाते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। ब्राउजिंग सेंटर, भोजनालय चलाने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। अच्छी तरह से संचालित स्वयं सहायता समूह भी आवेदन कर सकता है। तो इन सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और इन सभी लोगों का CSP मिल सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, यह जो है आवेदन जो है आपको ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर्म को, आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पर अपना क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर आवेदन डाउनलोड कर लेता हूँ, जो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। आप बने रहिए। देखिए, यहाँ पर आवेदन मैं डाउनलोड कर देता हूँ, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने पर देखिए, यहाँ पर ऐसे खुल जाएगा, आवेदन खुल जाएगा। इस आवेदन को कहाँ भर कर कहाँ जमा करना है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरह का आवेदन है, इस भर कर आपको भर लेना है। हाँ, अब इसी में यह बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दो तरह का डॉक्यूमेंट्स लगता है, पहला कि आइडेंटिफिकेशन के लिए और दूसरा जो है एड्रेस प्रूफ के लिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी आप व्यक्तिगत जानकारी दीजिएगा, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी देना है। तो यहाँ पर देखिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी हो, मनरेगा कार्ड, तो आप इसका डॉक्यूमेंट्स में कोई एक लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा में है, अगर वैट सर्टिफिकेट है या सेल एंड इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसका लगा दीजिए। म्यूनसिपल ऑथोराइज अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट, यानी आपका दुकान है और दुकान का कागज है तो वो भी लगा दीजिएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, देख लीजिएगा और लगाकर आपको एक फॉर्म भरकर आप इसके साथ कहाँ जमा करना है, यह मैं आपको चलिए बता देता हूँ।
तो देखिए वेबसाइट पर ही दिया गया है कि जमा कहाँ करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा निश्चय आइए। देखिए यहाँ पर देखिए मंडल और शाखाएँ, यहाँ मंडल और शाखाएँ दिया हुआ है। देखिए मंडल और शाखाएँ यहाँ पर दिया गया है, तो यहीं पर आपको जमा करना है। अच्छी तरह से फॉर्म को भर लेना है और डॉक्यूमेंट्स लगाकर यहाँ पर जमा करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका मंडल कहाँ है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद बहुत सारे जो आपके आसपास के मंडल जो हैं यहाँ पर खुल जाएंगे। आप अपना देख लीजिएगा कि आप किस जिला में आते हैं। पूरे भारत के सभी जिले का मंडल का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच जो है आदिलाबाद ब्रांच, तेलंगाना स्टेट, यूपी, गुजरात, केरल, वेस्ट बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, सभी जिलों का, सभी स्टेट के जिलों का मेन ब्रांच यहाँ पर दिया गया है। वहीं इस फार्म को भरकर जमा करना है। अगर आप अपने स्टेट के खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, सिलेक्ट ऑप्शन है। मैं खोज लेता हूँ बिहार का, तो देखिए यहाँ केवल बिहार का आ गया है। यहीं पर आपको जमा करना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि CSP लेने से क्या क्या चीज़ आपको फ़ायदा मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आना है, दूर स्टेप बैंकिंग पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा। थोड़ा सा मैं फिर हिंदी कर लूँगा क्योंकि इंग्लिश सभी कुछ समझ में नहीं आएंगे। बहुत मेरे साथी हैं जो केवल हिंदी ही जानकार हैं, हिंदी जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी कर लूँगा। देखिए IPT की डोरस्ट बैंकिंग के लाभ, अपने घर से आराम से बैंकिंग कर पाइएगा, आसान और सुविधाजनक बैंकिंग, तत्काल खाता खोल पाइएगा, सर्व सुरक्षित और पेंशन परेशानी मुक्त बैंकिंग। IPP का डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आप खाता खोल सकते हैं, आप अपने दरवाजे पर नगद जमा व निकासी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बाद है आप रिचार्ज बिल भुगतान कर सकते हैं, खाते से संबंधित कोई भी काम जो है आप कर सकते हैं, अपडेट करना, पैन कार्ड जोड़ना, यह सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो और नीचे आइएगा तो EPS के तहत नगद निकासी, बैलेंस, पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आइएगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। देखिए बीमा, सामान्य बीमा और म्यूचुअल फंड, आधार में मोबाइल नंबर। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि CSP जब आप लीजिएगा तो आधार अपडेट करने का भी सिस्टम आपको मिल जाएगा। आधार में क्या, आधार में आप मोबाइल अपडेट कर दीजिएगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। डाकघर उत्पाद का भुगतान, सुकन्या समृद्धि, PF, RD, PLI, RP कार्ड, ऐसे सब भी आप कर सकते हैं। तो ये टोटली बैंकिंग है, CSP बैंकिंग जो आप देखते हैं वही है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सभी, तो आप अप्लाई कर दीजिए और आपको ज़रूर CSP लेकर घर बैठे कमाइए और बेरोजगारी से छुटकारा पाइए। और दिव्यांग व्यक्ति भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अगर कोई चीज़ पूछना होगा तो आप देखिए यहाँ पर कॉल सेंटर का जो नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस नंबर पर आपको पूछ लीजिएगा कि कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर आपको पूछ लीजिएगा, फ़ोन करके पता कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।